एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अमरोहा के गजरौला की 13 फैक्ट्रियों को फौरन बंद करने के आदेश दिए हैं। एनजीटी ने अपनी जांच में यह पाया है कि इन फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और जहरीला पानी प्रदूषण फैला रहा है। गजरौला की 13 फैक्ट्रियां होंगी बंद। एनजीटी ने दिए तत्काल बंद करने के आदेश। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अमरोहा के गजरौला में मौजूद इन फैक्ट्रियों के बिजली पानी काटकर फौरन बंद करने के आदेश दिए हैं। एनजीटी ने अपनी जांच में पाया कि इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और जहरीला पानी प्रदूषण फैला रहा है। जिन 13 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं उनमें जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड डिस्टिलरी यूनिट, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड केमिकल यूनिट 1, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड केमिकल यूनिट 2, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड पॉलीमर यूनिट, जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड एंड सिल्को लिमिटेड, उमंग डेरीज लिमिटेड, कामाक्षी पेपर मिल, टेवा एपीआई इंडिया लिमिटेड, डेयरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मोहित पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड, जैन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और कोरल न्यूज प्रिंट्स लिमिटेड। ये आदेश न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एनजीटी की प्रधान पीठ ने एक विशेष जांच दल की रिपोर्ट के नतीजे देखने के बाद जारी किया है, जिसमें पाया गया है इन फैक्ट्रियों से न सिर्फ बगद नदी में प्रदूषण हो रहा है बल्कि गंगा नदी भी प्रदूषित हो रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक भी एनजीटी के आदेश का स्वागत कर रहे हैं। एनजीटी का बहुत अच्छा कदम है, बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि मेरे क्षेत्र हसनपुर विधानसभा में ये सारी जितनी भी यहाँ पे इकाई है उनका जो है पानी मेरे विधानसभा हसनपुर में बह रहा है, जिससे यहाँ पर लाखों लोगों की मौत अब तक इस पानी के कारण हो चुकी है। तमाम पशु जिस पानी को पी लें वो तुरंत बीमार होने के कारण दो चार दिन में वो खत्म हो जाता है। और यहाँ पर जो बहुत बड़ी फसल हमारी आम की है वो ये ऐसा गैस छोड़ते हैं जिसके कारण वो तुरंत जो है उसका माहौल खराब हो जाता है और सारा माहौल निकल जाता है और फिर आम उसमें नहीं ठहरता। जो आम ठहरता भी है तो पहले ही पकने से पहले वो सब गिर जाता है। हमारे सिंचाई के मंत्री जी हैं माननीय धर्मपाल जी, मैंने उनको भी लिख कर दिया कि मेरे क्षेत्र में जो पानी बह रहा है इसको तुरंत बंद करवाया जाए और इसमें शुद्ध पानी हमारे क्षेत्र को मिले जिससे हमारे क्षेत्र की जनता का भला हो सके। एनजीटी ने जो ये फैसला दिया है बहुत सोच समझ कर जाँच करने के बाद ही दिया है। फैक्ट्रियों को चाहिए कि वो अपने प्रदूषण को नियंत्रित करें और जनजीवन जो प्रभावित हो रहा है वो प्रभावित ना हो। भले ही बीजेपी के विधायक एनजीटी के आदेश को सही ठहरा रहे हैं, मगर जानकर आपको हैरानी होगी कि इन फैक्ट्रियों में से एक कोरल न्यूज प्रिंट्स लिमिटेड खुद यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की है। और सच्चाई ये है कि भले ही अभी तक स्थानीय जनता भी इन फैक्ट्रियों के प्रदूषण से परेशान रही, लगातार शिकायत भी की गई, मगर बावजूद इसके फैक्ट्री मालिकों के राजनीतिक रसूख के कारण इन फैक्ट्रियों पर लगाम नहीं लग पाई। अब एनजीटी के आदेश के बाद इन पर कार्रवाई की उम्मीद जगी है। मोहम्मद फहद, समाचार प्लस, अमरोहा।